हम बात कर रहे हैं आईआरबी इंफ्रा के। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो 1% के ऊपर की गिरावट के साथ स्टॉक में क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। बड़ी गिरावट के बाद ऑलमोस्ट 60 के लेवल से स्टॉक ने बाउंस बैक किया था। हायर आई यहाँ चार्ट पैटर्न देखने के लिए मिला था। कहाँ तक का जम दिखाया? ऑलमोस्ट 67 तक का। वहाँ से रिजेक्शन लिया, बड़ी गिरावट आई, जंप आया था, लेकिन पहले जहाँ सपोर्ट लिया था उसी लेवल पर रिजेक्शन फेस करके अपने रिसेंट लो को ब्रेक डाउन करता अगेन आईआरबी इंफ्रा नज़र आ रहा है। अपने रिसेंट लो का ब्रेक डाउन कर चुका है। देख सकते हैं छोटी मोटी बाइंग के साथ ही स्टॉक में क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। लेकिन आप अगर यहाँ से जंप आता है तो जहाँ पहले रिजेक्शन फेस किया था 64 का लेवल, यहाँ तक का जो जंप दिखा सकता है 64, 64.20, 64.40 तक का भी स्टॉक जंप दिखा सकता है। यहाँ से अगेन फिर स्टॉक रिजेक्शन फेस करता नज़र आ सकता है। जो इसका सपोर्ट है, जहाँ सपोर्ट लिया था वहाँ तक का जंप, वहाँ से रिजेक्शन लेकर इस लो को ब्रेक डाउन कर जाता है तो वैसी कंडीशन में 62 और इस गिरावट के साथ 62 का तक 60 तक का फॉल स्टॉक दिखा सकता है। फिर 60 का लेवल मेजर सपोर्ट रहेगा। चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जंप के बाद स्टॉक रिजेक्शन लेकर लो ब्रेक डाउन कर रहा है तो यहाँ थोड़ा सा आप इंतज़ार करना है। फ्रेश बाइंग अगर करनी है तो थोड़ा सा इंतज़ार करना है। गिरावट आती है तो 60 के पास मौका बनेगा। आप अगर बाउंस बैक करता है तो जैसे हमने कहा कि 64 इमीडिएट टारगेट है, ब्रेकआउट कर गया तो 65 का लेवल, और इस बाउंस बैक के साथ जहाँ से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया 67, 68 का जो लेवल है, इस लेवल को ब्रेकआउट करके, यानी 68 मोटा मोटा मानते हैं, इसको ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो फिर यहाँ से अप ट्रेंड आईआरबी दिखा सकता है। लेकिन फिलहाल स्टॉक गिरावट का सिग्नल दे रहा है तो थोड़ा सा इंतज़ार करना है। एटलीस्ट इसके रिसेंट हाई को बाउंस बैक करके ब्रेकआउट करने देना है और इसके ऊपर सस्टेन होने देना है तो वैसी कंडीशन में अपसाइड, वरना जंप के बाद रिजेक्शन और लो ब्रेक डाउन करता है तो 60 तक का फॉल फिर आईआरबी दिखा सकता है। और स्टॉक ने रिजेक्शन लिया है तो गिरावट के चांस अगेन बनते नज़र आ रहे हैं। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, हम कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।